कहानी मीठू और कौरा। मीठू एक सुंदर तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मीठू ने अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते, अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों ना इन्हें खाया जाए। मीठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज सुनकर वह डर गया। काव काव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कौरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो? काव काव, तुम यहाँ से चले जाओ, यह पेड़ मेरा है, ये आम भी मेरे हैं। मीठू उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। सोच रहा हूँ क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूं, कौरा इसे देखकर खुश होगा। मीठू गुब्बारा मुंह में दबाए कौरा के पास दोबारा आता है। काव काव, यह कौन सा फल है, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? यह गुब्बारा है, एक खिलौना, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे? दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। फड़क! भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। डरकर कौरा मीठू से चिपक जाता है। मीठू कौरा को प्यार से समझाता है। डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फूटने की आवाज थी। हा हा हा, मैं तो डर ही गया था। दोनों खूब हंसते हैं। कौरा मीठू को अपने पास बुलाता है। आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए। काव काव, काव काव।